ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो क्वेश्चन आया है कि भाई जो वाइफ है, ठीक है, जो वाइफ है हस्बैंड के साथ रहते हुए, मान लो एक तो होता है अलग रह रहे हैं 125 डाल दिया, एक होता है कि साथ रह रहे हैं, क्या 125 कर सकते हैं या नहीं? ओके, क्या कोई हमें ऐसा प्रोविजन रोकता है कि अगर हम वाइफ के साथ हस्बैंड के साथ रहते हैं तब हम केस नहीं कर सकते, या फिर हम अलग रहते हैं तभी हम केस करने के एंटाइटल्ड हैं? ठीक है, तो आपको बता दें आप कर सकते हो, अगर आप सपोज हस्बैंड के साथ रह रहे हो और आपको 125 करना यानी कि मेंटेनेंस, तो आप साथ रह के हुए भी कर सकते हो। ठीक है, तो यार देखो मेंटेनेंस को समझ लो क्या है, मेंटेनेंस कोई दुश्मन नहीं है किसी का, ठीक है, मेंटेनेंस एक ना प्यार की फॉर्म है, प्यार की फॉर्म है, बस उसको लोगों ने धंधा बना दिया, 125 लगा दो, ये कर दो, खर्चा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, सपोज हस्बैंड है वाइफ है, ठीक है, और हस्बैंड अपनी वाइफ को ना जैसे कि खर्चा नहीं देता या फिर जैसे मतलब उसको मेंटेन नहीं कर रहा, ठीक है, उसका केयर नहीं कर रहा, जैसे कि बीमार पड़ी है तो बीमारी पड़ी है, ठीक है, प्रेग्नेंट है तो उसको ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसकी मेडिकल फैसिलिटी का ध्यान नहीं रख रहे, उसकी एजुकेशन का फैसिलिटी का ध्यान नहीं रख रहे, ठीक है, यानी कि उसकी ना मतलब उसकी केयर नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसको राइट है मेंटेनेंस का। ठीक है, अब क्या होता है शादी के बाद, क्या होता है जो हस्बैंड है वो उसका ओनर बन जाता है, पहले क्या होता है फादर होता है, फादर देखो अपनी अपना बच्चा होता है तो सब उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है, अब हस्बैंड क्या हो गया थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो एकदम बाद में आया, ब्लड का तो है नहीं, वो ब्लड रिलेशन तो है नहीं, तो बाद में आया, अब वो गिल्टी माइंड भी हो जाता है कभी कभी, तो वो अपनी वाइफ का केयर नहीं कर रहा है, ओके, ध्यान नहीं रख रहा है, तो आप तब भी साथ में रहते हुए भी 125 कर सकते हो, कोर्ट से आप बोल सकते हो कि भाई मुझे मतलब मेरे को मेरा हस्बैंड केयर नहीं करता है और मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तो आप एक बार डिग्री पास कर दो ताकि ये डरे और ये मेरे को महीने का खर्चा दे दे और जिससे मेरा जीवन व्यापन हो सके, तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि बार नहीं है कि अगर आप हस्बैंड के साथ रह रहे हो तो आप केस नहीं करोगे या कि मतलब 125 नहीं कर सकते, तो आप कर सकते हो। और मैं आपको एक बार और बता दूं, 125 पैसे की फॉर्म में मत देखा करो, वो क्या है, वो मेंटेनेंस की फॉर्म में, जैसे कि बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि खाना, ओके, कपड़े, यानी कि जो जरूरतें पूरी होती है ना, मेडिकल फैसिलिटी अगर कोई दिक्कत है तो उसको बोलते हैं वो मेंटेनेंस। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि हस्बैंड यानी कि भाई मना कर देगा, उसके पास पैसे ही नहीं है, ये नहीं है, तो आप ये बोल दो ना कि भाई मैं पैसे मांग ही नहीं रही, आप ये बोल दो भाई मुझे मेडिकल फैसिलिटीज जो मेरी बेसिक नीड्स हैं वो, यानी कि जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ है वो आप मुझे दिला दो, मुझे यही तो मेंटेनेंस है। ओके, अब ये कहाँ लिखा है कि भाई मेंटेनेंस, इतने पैसे को मेंटेनेंस बोलेंगे? ओके, वो तो तब होता है जब भाई अलग रह रहे हैं एज ए मतलब हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, तब थोड़ा खर्चा देना पड़ता है, क्योंकि अब एक साथ अब इतनी दूर से खाना तो खिलाएगा नहीं, तो वो पैसे ही देगा, तभी वो पैसे से बेचारी खाने खाएगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आप अपने हस्बैंड के साथ रह के भी अगर हस्बैंड मेंटेन नहीं करता तो आप केस कर सकते हैं 125 का, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब वो बात अलग है कि जब केस करोगे तो पचड़े होंगे घर में, ये होगा, कलेश होगा, देखो वो अलग बात है, वो आपकी हेडेक है, पर मैंने आपको राइट बता दिया, राइट है, ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। चिल मैन, चिल।